इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने इस तरीके से ज़रूर देखा होगा। इसमें ये लिखा आता है, लीव साइट चेंजेस दैट यू मेड मे नॉट बी सेव्ड। तो इसका क्या मतलब है और हमारा जो साइट है वो लीव हो रहा है, मतलब क्या आ रहा है, इस तरह से इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप कोई भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, नॉर्मली क्रोम ब्राउज़र में इस तरह से ज़्यादातर मैसेज आता है, तो इसका मतलब क्या होता है वो पहले समझते हैं। देखिए, अगर आप YouTube पर वीडियोस अपलोड करते हैं या फिर नॉर्मली कहीं पर भी, मतलब एक तरह से नॉर्मली ब्राउजिंग भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके से दिखाता है। इसका मतलब ये निकल कर आता है कि जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं एज अ ब्राउज़र के अंदर वो मतलब प्रोसेसिंग में है, बट आप बैक बटन दबा देते हैं एंड वो उस केस में लीव, क्या आप लीव करना चाहते हैं, इस तरह से आपको गूगल क्रोम पूछता है। एक तरह से इसे वार्निंग भी कही जाती है, क्योंकि कई बार हमारा जो काम है वो गूगल क्रोम पर चल रहा होता है या फिर किसी ब्राउज़र में चल रहा होता है, बट हम बैक बटन दबा देते हैं तो उस केस में हमारी जो प्रोसेसिंग है वो बीच में ही कैंसिल होना हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बैक बटन दबाता हूँ तो देखिए फिर से वही आता है, लीव साइट, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो इस पेज पर वो सभी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी या फिर वो चीज़ें सेव नहीं होगी। अगर आप फेसबुक भी चलाते हैं ब्राउज़र के थ्रू या फिर कुछ अदर चीज़ें कर रहे हैं, किसी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐड कर रखी है एंड अगर आप बाय मिस्टेकली बैक बटन दबाते हैं या फिर जानबूझकर भी दबाते हैं तो वहाँ पर आपको एक वार्निंग आती है कि आप इस वेबसाइट को लीव यानी छोड़ना चाहोगे। अगर आप इस वेबसाइट को छोड़ते हैं तो जो भी आपने अब तक का, मतलब इस पेज पर जो भी डेटा वगैरह फिल किया है वो सभी आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यही निकल कर आता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी चीज़ें इंफॉर्मेशन वगैरह फिल की है या फिर अगर आपने पेज पर कोई चीज़ें अपलोड वगैरह कर रहे तो कैंसिल ना हो, तो उस केस में आपको जो है कैंसिल बटन पर दबाइए। अगर आप लीव करते हैं तो जो भी चेंजेस है वो यहाँ से सेव नहीं होंगे, आपका जो भी पिछला पेज है उस पर आप चले जाएंगे और आपका जो मतलब आप जो काम वगैरह कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो ठीक है, कैंसिल बटन दबाना अच्छा है, बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें बैक जाना है तो लीव बटन भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर समझने में दिक्कत है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।